मैं कुछ अलग तरीके से शुरुआत करना चाहूंगा। तो भगत सिंह की अमर प्रेरणा, तो बिस्मिल की अमर ज्वाला, आजादी की अमिट भावना, तो स्वराज्य के महामंत्र के गायक महात्मा गांधी, प्रजातंत्र के सच्चे नायक, तेरे जीवन के एक एक क्षण में और गरल के मक्ष सिंध पर तिरता अंतिम क्षण भी यही बतलाता हमें कि उठो और लड़ो, लड़ो पाप से, लड़ो झूठ से, और इसी युद्ध को लड़ते लड़ते मानव शंकर बन सकता है, मानव शंकर बन सकता है। 26 जनवरी को भारत के संविधान को अपनाया गया इस उद्देश्य से कि हम सभी अपने आप को स्वयं से स्वयं अनुशासित कर सके, दूसरों की स्वतंत्रता और उनके अधिकारों को आयाम दे सके। हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि हम दूसरों के अधिकारों की रक्षा करें। जी हाँ, आजादी के बाद आज हम सब तो आजाद हैं, पर स्वतंत्रता तो मिल गई हमें और आज गणतंत्र दिवस भी मना रहे हैं, पर क्या हम मानसिक रूप से आजाद हैं? नहीं। सामाजिक रूप से हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो बात छुपी हुई है। जिस समाज में एक दूसरे को हराने की मानसिकता हो, वो समाज आगे कैसे बढ़ेगा? और जैसा कि आप जानते हैं कि एक देश समाज से ही बनता है। जिस देश के लोगों में घृणा होगी, नफरत होगी, तो आपस में विद्वेष होगा, तो आखिर क्या वो मिलकर रह सकेंगे? नहीं। हमें अधिकार मिले हैं, उस अधिकारों का प्रयोग करके हमें उसे लाभदायक बनाना चाहिए, उस अधिकार को उपयोग में लाना चाहिए। और ज्यादा समय ना लेते हुए मैं कुछ इस तरह विराम देना चाहूंगा। तुम चाहो तो निर्मल कर सकते हो गंगा के धारों को, फिर हुंकार बना सकते हो इन कला के नारों को। तुम चाहो तो कतरा कतरा कर सकते हो इस संगर के जारों को। तुम चाहो तो राम दौर आ सकता है, और तुम चाहो तो भारत फिर से विश्व गुरु बन सकता है। तो अपने अधिकारों को जानिए, पहचानिए और इस भारत देश को फिर से विश्व गुरु बनाइए। और मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद और गणतंत्र दिवस की एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।